यूपी खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। खबरें देखें पीलीभीत, बरेली और बहराइच से। आज की पहली खबर है जिला पीलीभीत से। आज जनपद की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर में रहने वाले एक बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद परिजनों में कोहराम छा गया। जानकारी लगने पर मृतक के परिजनों ने वाहन चालक को रोका। इसके बाद मृतक के परिवार वालों को सिख समाज के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। सर, पीलीभीत के गांव में घटना घटने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई हुई है? ये ग्राम कल्याणपुर पड़ता है थाना पूरनपुर में, जहाँ पर कल एक शाम पे 5 वर्षीय बच्चे के एक्सीडेंट हो गया था एक फोर व्हीलर गाड़ी से। इसमें मौके पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, आपस में वाद विवाद हो गया था। इसमें मौके पे पुलिस पहुँच करके शांति व्यवस्था को कायम कराया गया और लड़के को इलाज के लिए भेजा गया, जिसमें लड़के की दौरान इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। सौ का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर फोर्स विद्यमान है, शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया, इसके बाद सुचारू रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम किया गया। मामले में विविध कार्रवाई भी हुई, फिलहाल स्थिति क्षेत्र में शांत है। अगली खबर जिला बहराइच से है। जनपद के थाना खैरी घाट परिच्छेद की ग्राम सभा बैबाही के मजरा टेपरा में धान के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। व्यक्ति की लाश को शौच करने गए बच्चों ने देखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों को दी। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। शव की शिनाख्त नान्हू पुत्र मताई निवासी टेपरा तहसील मोतीपुर के रूप में की गई, जिसकी सूचना पर मृतक के परिवारजन मौके पर पहुंचे और काफी दुखी होकर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विविध कार्यवाही की। घटना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। घटना स्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज की अंतिम खबर है जिला बरेली से। जनपद के विकासखंड भुता की ग्राम पंचायत रुपियापुर में आज अजीबोगरीब मामला सामने आया। आप सभी जानते हैं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कराने को लेकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आपसी वित्तीय सांठगांठ के चलते सरकारी योजनाओं में सेंध लगाकर लाखों रुपए का घोटाला करके पलीता लगा रहे हैं। जी, मेरा नाम शकील अहमद। मेरे पास एक अंत्योदय राशन कार्ड था काफ़ी 5 साल से, जो ग्राम प्रधान ने और सेक्रेटरी ने काट दिया है, ले दे के दूसरे का बना दिया। उसके पास 25-30 बीघे ज़मीन है और 2-3 महीने हो गए हमें भागते हुए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने उप जिलाधिकारी के पास शिकायत की थी, इंस्पेक्टर साहब के पास गए थे फरीदपुर सप्लाई में, और भी सेक्रेटरी से 2-3 महीने हो गए कागज़ लिए हुए, कर देंगे, अभी तक नहीं करा है। टाल मटोल कर रहे हैं और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा नाम रोशन लाल, मैं ग्राम पंचायत रुपियापुर का निवासी हूँ, और ये हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, तो लोग यहाँ लैट्रिन करने आते हैं, और यहाँ जो क्या नाम सफाई कर्मी लगा हुआ है 2-3 महीने से उसका वेतन भी ले रहा है, आरण कर रहा है, लेकिन यहाँ ये टैंक भी टूटा हुआ है और आप देख लीजिए अभी ताला लगा हुआ है, समय ताला लगा रहता है, यहाँ ड्यूटी वाला भी नहीं, आप देख लीजिए मौके पर जाके, है ना, किसी के सबूत नहीं। यहाँ गांव रुपियापुर के ग्रामीणों के अनुसार एक भ्रष्टाचार पाया गया, जिसमें पंचायत घर बनाने के नाम पर लाखों रुपए का हेरफेर किया गया। इसके निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री लगाई गई। फिलहाल मामले को लेकर बड़े अफसरों के पास भी शिकायत कही गई। यहाँ अब देखना बाकी है महकमे में उच्च स्तर पर बैठे लोग क्या कदम उठाते हैं। आज की यूपी खबर स्पेशल में इतना ही, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।